वेलकम बैक गाइस। अब यार ब्रॉक तो हम सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार ब्रॉक का नेचर इतना अच्छा है, ऊपर से इतना अच्छा कैरेक्टर है, तो हम सबको यार ब्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यार ब्रॉक की पोकेमॉन टीम भी काफ़ी अच्छी रही है, और मतलब वो काफ़ी अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स कैच करता है भाई हर रीजन में से, और ये ऑलमोस्ट सारे रीजन में इसने ट्रैवल कर रखा है ऐश के साथ में। तो आज की वीडियो में हम लोग हर एक रीजन में से ब्रॉक की स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पोकेमॉन को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, एंड तक ज़रूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कैंटो के साथ में, लेकिन उससे पहले मैं तुमको ब्रॉक के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। क्या तुम लोग को पता है ब्रॉक भाई एक रॉक टाइप का जिम लीडर है? मुझे पता है तुम लोग को ये पता ही है, लेकिन फैक्ट ये है कि लेकिन इसके बावजूद भी ब्रॉक के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्योर रॉक टाइप का पोकेमॉन है। मतलब यार काफ़ी वियर्ड सी चीज़ है कि भाई रॉक टाइप का जिम लीडर होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन रखा है इसने अपने पास। तो चलो अब देखते हैं इसकी टीम। सबसे पहले आता है स्टीलिक्स। अब भाई ब्रॉक के पास एक्चुअली में ऑनिक्स था कैंटो के अंदर तो, लेकिन बाद में चल के ये स्टीलिक्स में इवॉल्व हो जाता है, और फिर भाई अलोला के अंदर तो ये मेगा इवॉल्व भी हुआ था, यानी कि मेगा स्टीलिक्स बन गया था। डेफिनेटली भाई बहुत पावरफुल पोकेमॉन रहता है मेगा स्टीलिक्स। तो कैंटो के अंदर भी भाई ऑनिक्स ने बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मतलब काफ़ी अच्छे से बैटल्स वगैरह भी जिताई थी, मतलब काफ़ी ताकतवर पोकेमॉन था। और स्टीलिक्स बनने के बाद तो भाई उसने टर्टोनेटर को भी हरा दिया था, जिससे उसको डिसएडवांटेज थी, तो समझ सकते हो भाई डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था ब्रॉक का मेगा स्टीलिक्स। स्टीलिक्स वाले फॉर्म में भी बहुत अच्छा है, और ऑनिक्स वाले में तो था ही एक पावरफुल। नेक्स्ट पोकेमॉन है ब्रॉक का जियोडूड। जियोडूड भाई एक रॉक और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है, और सही में यार ये भी काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन है ब्रॉक का। सब लोग को याद ही होगा फर्स्ट जिम बैटल में यार इसने कितना कमाल किया था ऐश के पोकेमॉन की भाई बैट बजा के रख दी थी। हालांकि अब तो भाई ये ऐश के सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन उस टाइम पर तो डेफिनेटली काफ़ी पावरफुल था। हालांकि यार सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट की ना, वो ये थी कि ब्रॉक ने भाई इवॉल्व ही नहीं किया यार जियोडूड को। जियोडूड देखो फर्स्ट स्टेज में भी काफ़ी अच्छा पावरफुल था, लेकिन अगर ये गोलम बनता तो सबको पता है यार ये कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाता। भाई मेरे को तो बहुत खुशी होती है अगर ब्रॉक ने इसको इवॉल्व किया होता, पर ब्रॉक ने इसको इवॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट पोकेमॉन आता है ब्रॉक का क्रोबैट। अब यार ब्रॉक ने इसको जूबैट वाले फॉर्म में पकड़ा था माउंट मून के अंदर, और ये भी यार ब्रॉक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। इसकी परफॉर्मेंस यार हमेशा ही काफ़ी इंप्रेसिव रही है, और ब्रॉक हमेशा से इससे यार बहुत खुश रहता है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस हमेशा काफ़ी अच्छी रहती है। बैटल में तो यार अच्छा करता ही करता है, और बाहर के जो दूसरे भी काम रहते हैं वो सब भी यार मतलब ब्रॉक की बहुत हेल्प करता है। जैसे कभी उन पर कोई मुसीबत आ जाती है तो पता होगा यार एक पोकेमॉन था जो इनकी हमेशा हेल्प करता है, वो है क्रोबैट किसी भी चीज़ के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा था यार पोकेमॉन ब्रॉक का। नेक्स्ट आती है वल्पिक्स। वल्पिक्स पोकेमॉन भाई ब्रॉक को मिली थी सूजी की मदद से। सूजी ने भाई उसको अपना पोकेमॉन दे दिया था, क्योंकि यार वल्पिक्स को भी ब्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद है, और सब जानते हैं यार ब्रॉक का नेचर कितना अच्छा है, तो वल्पिक्स को भी भाई काफ़ी पसंद था ब्रॉक, तो इसीलिए भाई वो उसके साथ आ गई। और डेफिनेटली वल्पिक्स भी अच्छी पोकेमॉन थी ब्रॉक की। हालांकि बैटल में देखा जाए इसकी परफॉर्मेंस इतनी भी खास नहीं रही, वैसे तो इसने बैटल बहुत कम ही करी है, लेकिन मतलब ब्रॉक ने इतना भी ज़्यादा इसको यूज़ भी नहीं किया, और जब भी इसने बैटल करी है तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही इसकी। लेकिन ओवरऑल अगर ब्रॉक इसको ट्रेन वगैरह करता तो स्ट्रॉन्ग बनती, लेकिन फिर बाद में भाई ब्रॉक ने इसको वापस दे दिया सूजी को, तो मतलब हमने इसकी कभी अच्छी परफॉर्मेंस देखी नहीं बेसिकली। अब जरा बात कर लेते हैं कैंटो से स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पोकेमॉन के बारे में। तो भाई कैंटो से स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन तो नो डाउट स्टीलिक्स ही रहेगा। भाई स्टीलिक्स इतना पावरफुल है ना ब्रॉक का, क्या ही बात करें। ऊपर से भाई अब तो ये मेगा स्टीलिक्स भी बन जाता है, और इसने बैटल परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा अच्छी दी है, तो क्या बोले यार, यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है कैंटो का। और बात करें वीकेस्ट की, तो भाई वो रहेगी ब्रॉक की वल्पिक्स। वल्पिक्स का जैसे मैंने बताया इसकी परफॉर्मेंस इतनी भी कभी कुछ खास नहीं रही, और बैटलिंग में इसको उतना लगता है अच्छा इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं था, तो हाँ ये वीकेस्ट है। नेक्स्ट रीजन आता है जोटो रीजन। जोटो के अंदर भाई ब्रॉक ने ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन पकड़ा था। पता नहीं क्यों यार, किसी भी कैरेक्टर को देख लो जोटो में सबसे कम पोकेमॉन पकड़ के रखे हैं उसने, तो ब्रॉक का भी सेम हाल था। इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नया पोकेमॉन था जोटो के अंदर, जो कि है इसका फॉल्ट्रेस, जो कि भाई पाइनेको वाले स्टेज में ब्रॉक ने पकड़ा था अजेलिया टाउन में। और देखा जाए भाई क्योंकि अकेला ही पोकेमॉन है, तो हम लोग इसी को देखने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट में। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से इसकी काफ़ी अच्छी ही थी। इसने जब भी वैसे बैटल में यूज़ किया है भाई ब्रॉक ने, इसने कभी कभार जिताया है, कभी कभार हराया है। वैसे इसने काफ़ी पावरफुल हिटमॉनली को भी हरा दिया था, और फॉल्ट्रेस बनने के बाद तो एक्चुअली ये कभी हारा ही नहीं भाई, एक फेयर बैटल में कभी भी नहीं हारा। तो मेरे हिसाब से तो भाई मैं बोलूँगा ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इंप्रेसिव थी, और ये काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन है ब्रॉक का, तो मैं इसको वीक में बिल्कुल भी नहीं डाल सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई ये जोटो में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में रहेगा। नेक्स्ट रीजन आता है होएन रीजन। होएन के अंदर ब्रॉक के पास काफ़ी अच्छे नए पोकेमॉन्स रहे हैं। सबसे फर्स्ट रहेगा ब्रॉक का लूडिकोलो। अब भाई लूडिकोलो को उसने फर्स्ट फॉर्म यानी कि लोटेड वाले फॉर्म में पकड़ा था, और फिर उसी में भाई इवॉल्व हो गया था वो लूडिकोलो में। अब यार देखो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस देखूँ ना, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ब्रॉक ने कभी इसको एकदम वन वर्सेज वन फेयर बैटल में एक यूज़ नहीं किया, जिससे हम कह सके इसने इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को हराया ऐसा कुछ। तो हाँ लूडिकोलो ने वैसे ज़्यादा कुछ बैटल खास करी नहीं है, लेकिन वैसे यार मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी कभी किसी पोकेमॉन को बचाने के लिए
वगैरह काफ़ी काम आता था। तो हाँ, मैं इसको बिल्कुल वीक नहीं बोलूँगा भाई, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पोकेमॉन था और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। बैटल तो देखो अब करवा ही नहीं, तो भाई वो क्या कर सकता है लूडिकोलो इसमें। बस यार एक चीज़ जो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगती है लूडिकोलो के बारे में कि इसको सिर्फ और सिर्फ 3 ही मूव्स आते हैं भाई, एटलीस्ट 4 मूव तो आने चाहिए यार, और एनिमे के अंदर तो भाई 10-10 आ जाते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा ख़राब है ये। बस नेक्स्ट आता है मार्स्टॉम पोकेमॉन, जो कि एक काफ़ी पावरफुल वाटर टाइप का पोकेमॉन है। ब्रॉक ने भाई इसको इसके मडकिप वाले फॉर्म में कैच किया था, और ब्रॉक का मार्स्टॉम भी काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन है। इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस होएन के अंदर और बैटल फ्रंटियर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इसने भी यार ऐसे बहुत ज़्यादा बैटल तो नहीं की, क्योंकि वैसे भी ब्रॉक रेयरली बैटल करता है, तो लेकिन जितनी भी करी है भाई उसमें इसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके पास मूव्स भी काफ़ी तगड़े तगड़े हैं, डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है ब्रॉक का। और एक बार तो भाई कॉन्टेस्ट के अंदर इसने काफ़ी पावरफुल एब्जोल को भी हरा दिया था, जिससे हम इसकी पावर देख ही सकते हैं यार, डेफिनेटली काफी पावरफुल पोकेमॉन है ब्रॉक का। नेक्स्ट आता है ब्रॉक का सूडो वूडो, जो कि भाई ब्रॉक का एक लौता प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन है, और मुझे भाई ब्रॉक का ये पोकेमॉन काफी पसंद है, मतलब मेरे फेवरेट में से एक है। सूडो वूडो को भाई ब्रॉक ने उसके फर्स्ट फॉर्म बॉन्जलाय वाले फॉर्म में पकड़ा था, जो कि कैंटो के अंदर उसने पकड़ा था, मतलब उस टाइम बैटल फ्रंटियर चल रहा था और बैटल फ्रंटियर ऑब्वियसली कैंटो के अंदर है, तो एक टाइप से उसने कैंटो के अंदर पकड़ा है। बट यार सीरीज होएन वाली थी, तो मैंने इसको होएन में इंक्लूड कर रहा हूँ इसी वजह से। ब्रॉक का बॉन्सलाय भाई सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और ब्रॉक ने इसको एक्चुअली काफ़ी यूज़ किया है भाई बैटल्स वगैरह में भी, कॉन्टेस्ट के टाइम पे काफ़ी यूज़ करता था ब्रॉक इसको, और यार इसने ऑलमोस्ट हर बार ब्रॉक को जीत दिलाई है यार, मतलब जितनी बैटल्स इसने लड़ी है ना ऑलमोस्ट भाई 70% बैटल्स ने जीती हैं, मतलब इतने गजब गजब अपोनेंट्स के अंदर यार इसने जीती है, काफ़ी बड़ी बात होती है। तो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है ये ब्रॉक का। अब जरा बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट की, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट में डेफिनेटली रहेगा सूडो वूडो, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और काफ़ी पावरफुल है। बात करें वीकेस्ट की तो वो रहेगा भाई ब्रॉक का लूडिकोलो। अब वैसे यार बिल्कुल फाइनल स्टेज वाला पोकेमॉन है, लेकिन फिर भी यार यहाँ पे जिन पोकेमॉन्स की बात कर रहे हैं उनमें यार ये वीकेस्ट ही रहेगा, मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी है और मतलब ओवरऑल मेरे ख्याल से ये वीकेस्ट है। नेक्स्ट आता है सिनोरिजन, यहाँ पे सबसे पहला पोकेमॉन रहेगा ब्रॉक का क्रोगंक। क्रोगंक भाई ब्रॉक का काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, और सबको पता ही होगा भाई ये इसी ने मिस्टी की जगह ली थी, मतलब मिस्टी जो काम करती थी भाई फिर ये करने लग गया था वो। ब्रॉक ने यार सिनो के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है क्रोगंक पोकेमॉन का, हमको दिखता रहता था ऑलमोस्ट हर एपिसोड के अंदर, और यार जब भी ब्रॉक ने इसको यूज़ किया है चाहे वो कोई कॉम्पिटिशन हो या कोई कॉन्टेस्ट बैटल हो, ऑलमोस्ट हर बार यार इसने जीत दिलाई है ब्रॉक को, तो इसीलिए ब्रॉक को भी यार काफ़ी पसंद था उसका क्रोगंक, और मुझे भी यार ये क्रोगंक पोकेमॉन काफ़ी पसंद है। नेक्स्ट पोकेमॉन है चांसी, भाई ब्रॉक के चांसी भी काफ़ी अच्छी पोकेमॉन है, हालांकि यार ब्रॉक ने कभी भी इसके साथ एक फेयर 1v1 किसी के साथ भी बैटल करी नहीं है अपने चांसी को लेके, जिसके चलते हमने इसकी कभी पावर नहीं देखी। वैसे यार वजन उठाने में तो ये काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब कितनी भी भारी कितनी भी बड़ी सी चीज़ उठा लेती थी, पर यार बैटल वाइज हमने इसकी पावर कभी भी देखी नहीं है, तो पता नहीं यार मतलब ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है हम कुछ कह नहीं सकते। तो यही दोनों पोकेमॉन्स थे ब्रॉक के सिनो में। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट की। स्ट्रॉन्गेस्ट में डेफिनेटली रहेगा क्रोगंक, इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है भाई, ब्रॉक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ही है यार, तो यहाँ से तो स्ट्रॉन्गेस्ट ही है। और बात करें वीकेस्ट की तो वो ऑटोमेटिकली भाई चांसी ही होती है, वैसे भी हमने इसकी परफॉर्मेंस भी देखी नहीं और मेरे ख्याल से ये वीक ही है। नेक्स्ट आता है यूनोवा, अब यूनोवा के अंदर तो ब्रॉक ही नहीं आया तो भाई उसका पोकेमॉन कहाँ से आएगा, लेकिन तुम लोग कमेंट करो कि अगर ब्रॉक यूनोवा के अंदर आता तो भाई वो कौन सा पोकेमॉन कैच करता। मेरे अकॉर्डिंग भाई वो क्रिसल पोकेमॉन को कैच कर सकता था। नेक्स्ट आता है कालोस, अब यहाँ पे भी ब्रॉक नहीं आया था तो इसीलिए कमेंट करो यार तुम लोग कालोस के अंदर भाई ब्रॉक कौन सा पोकेमॉन कैच कर सकता था। मेरे अकॉर्डिंग वो होता ट्रेवेनेंट। अब वैसे इसका ब्रॉक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रॉक को पेड़ जैसे पोकेमॉन को ज़्यादा पसंद है, तो हो सकता है वो इसको कैच करता। नेक्स्ट आता है अलोला, अब अलोला के अंदर ब्रॉक के पास एक ही पोकेमॉन था जो कि है उसका कॉम्फी। इसको भाई ब्रॉक ने कभी भी बैटल में यूज़ ही नहीं किया, अलोला के अंदर इसने बस पोकेमॉन्स को हील वगैरह किया था, तो डेफिनेटली बैटल वगैरह में कुछ खास कर भी नहीं पाएगी क्योंकि इसके पास कोई मूव्स ही नहीं है भाई। इसके पास बस एक स्वीट सेंट नाम का मूव है जो कि बैटल में कुछ भी नहीं कर सकता, तो अगर ब्रॉक ने बैटल करी भी होती तो डेफिनेटली ये हार जाती, जिससे हम कह सकते हैं ये वीक पोकेमॉन में ही आती है, तो अलोला के तौर पर भाई ये वीक है। वेल यही थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट तुम लोग को कौन से कैरेक्टर पे ये वाली वीडियो चाहिए कमेंट के अंदर जरूर बता देना, बाकी सब्सक्राइब भी कर देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।